आरक्षण के मुद्दे को लेकर मराठा समाज के विधायक इस्तीफा सौंप रहे हैं। उसी श्रृंखला में अब कांग्रेस विधायक सुरेश वरपुड़कर ने भी राजीनामा सौंपा है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन्हें समझाया। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक सुरेश वरपुड़कर ने विधानसभा से इस्तीफा सौंपा, लेकिन नाना पटोले ने उन्हें समझाया है कि राज्यपाल से आरक्षण मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया गया है। इस सत्र में आरक्षण पर अपना पक्ष रखने के लिए सुरेश वरपुड़कर को विधानसभा में उपस्थित होना आवश्यक है। इससे उन्हें यकीन हो गया और उन्होंने उम्मीद जताई है कि विधायकों को आरक्षण के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए। सुरेश वरपुड़कर साहबानी जी काही भूमिका मांडली ती बरोबर आहे, कारण की 2014 च्या सुरुवातीलाच निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या पद्धतीनं भाजपच्या नेत्यांनी मराठा धनगर या समाजाच्या आरक्षणाची भूमिका मांडलेली होती, ती पूर्ण न केल्यामुळे आज महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात तीव्र आंदोलन होते आहे। आजच आम्ही माननीय राज्यपाल महोदयांना एक विशेष अधिवेशन घ्यायला आम्ही सांगितलेलं आहे। माननीय राज्यपाल महोदयांनी ती सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे। हा राजीनामा निश्चितपणे आपण जनतेच्या भावनेशी जुळून ही भूमिका घेता ही सराहनीय आहे, स्वागतार्ह आहे। पण विधानसभेचं अधिवेशन विशेष अधिवेशनामध्ये तुम्ही त्यांच्या भावना मांडण्यासाठी त्या सभागृहात राहिलं पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे। आणि ही सरकार समजा खरंच आरक्षणाच्या प्रश्नाला सोडवणार नाही, या सरकारशी आम्ही दोन हात करू, त्यासाठी तुम्ही विधानसभेत सांगले पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे। आणि योग्य वेळेस आपण या सरकारला त्यांचा जनतेच्या माध्यमातून त्यांची जागा दाखवू। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे, BCN News नागपूर।